हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे सोया चंक्स मैगी। यह बहुत ही कम समय में रेडी हो जाती है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो आइए बनाते हैं हमारी हेल्दी सोया चंक्स मैगी। इसके लिए पैन में 1 से 1.5 चम्मच हम बटर डालेंगे। बटर को मेल्ट करते समय गैस की फ्लेम को लो कर लें, क्योंकि हाई फ्लेम पर बटर जलने लगता है। जैसे ही बटर मेल्ट हो जाए, हम इसमें एक बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे, प्याज डाल देंगे और प्याज को सौते करेंगे। प्याज का कलर हल्का सा पिंक होने पर हम इसमें टमाटर डाल देंगे। ये मैंने एक बड़े टमाटर का यूज़ किया है और इसे बड़े पीसीज में काटा है। आप चाहें तो बारीक भी काट सकते हैं। प्याज के साथ टमाटर को भूनेंगे। अब हम इसमें स्वादानुसार नमक डाल देते हैं, जिससे कि टमाटर हमारे सॉफ्ट हो जाएं। 1/4 छोटा चम्मच हल्दी डाल देंगे और 1/4 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। मिर्च बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो स्किप भी कर सकते हैं। अब हम टमाटर के सॉफ्ट होने तक टमाटर को ऐसे ही पकाएंगे। 1/2 छोटा चम्मच धनिया पाउडर डाल देंगे। सोयाबीन को पानी में भिगो कर रख दें। जब सोयाबीन हमारी सॉफ्ट हो जाए, तब हम इसमें डालेंगे। अब हम इसमें सोयाबीन डाल देंगे। इसे मैंने 1 घंटा पहले भिगो दिया था, अब यह सॉफ्ट हो गई हैं। थोड़ा सा पानी डाल देंगे, जिससे कि टमाटर हमारे सॉफ्ट हो जाएं। गैस की फ्लेम को लो कर लेंगे और 2 से 3 मिनट के लिए टमाटर के सॉफ्ट होने तक हम इसे ढककर पका लेंगे। यह मैगी खाने में टेस्टी लगती है और सोयाबीन डलने के कारण यह हेल्दी भी हो जाती है। आप भी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर बनाएं, आपको भी बहुत ही पसंद आएगी। टमाटर को आप बारीक भी काट सकते हैं, लेकिन मैंने इसे बड़े पीसीस में ही कट किया है। अब हम इसमें मैगी डाल देते हैं। ये मैंने इसमें 3 मैगी का यूज़ किया है और 2.5 गिलास पानी डाला है। अब हम इसमें मैगी मसाला डाल देंगे। हम इसमें मैगी मसाला थोड़ा सा बचा लेंगे, जिसका यूज़ हम बाद में करेंगे। ये मैंने 2 मैगी के सैशे इसमें डाल दिए हैं। मसाले को मिक्स कर देते हैं। अब हम इसे पका लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मैगी हमारी बनकर रेडी है। अब गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे प्लेट में निकाल कर गर्मा गर्म सर्व करेंगे। ऊपर से जो हमने मैगी मसाला बचाया था, उसे भी डाल देंगे। यह मैगी खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और हेल्दी भी होती है। आप भी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें। हाँ तो फ्रेंड्स, सोया चंक्स की मैगी अगर आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।